बच्चियों का वहाँ पे बलात्कार हो रहा है। मैं खुद कई ऐसे परिवार से वहाँ पर मिलकर आया हूँ, बच्ची कोचिंग के लिए जा रही थी, दिन दहाड़े सुबह 10:30 बजे उसको पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अनेकों ऐसी घटनाएं घटी हैं। इनके ऊपर खुद जिस तरीके से मेल पुलिस अधिकारियों के द्वारा लाठियां चलाई गई, भाई शांतिपूर्वक ही अपनी मांगों को रख रही है, क्या अपनी इज्जत के लिए अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना क्या गलत बात है क्या? आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें GNM की जो छात्राएं आज 18 दिन से जो आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठी है, उससे बहुत सारी छात्राएं ऐसी भी हैं जिनका लगातार तबीयत खराब होते जा रहा है, किसी को पानी चढ़ रहा है तो किसी को ग्लूकोज का बोतल भी चढ़ाया जा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान उन लोगों से मिलने आए थे, क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान, आप सुनिए वीडियो में। और शर्मा कुछ हो सकता है, ये वो हैं जो मुसीबत में दूसरों की मदद अपने घर परिवार वालों को छोड़कर करती हैं। कोरोना के वक्त हम लोगों ने इनके सम्मान में जाने क्या कुछ नहीं किया, पैर भी इनका धोया गया, पैर इनके धोए गए, देश के प्रधानमंत्री ने इनके सम्मान में फूल बरसाने का काम, दिए जलाने का काम, क्या कुछ नहीं किया गया। और हकीकत ये है कि आप सांकेतिक आप कई चीज़ें करते हैं, पर जब सही मायनों में इनको आपकी ज़रूरत होती है तो उस वक्त सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक, नेता, अधिकारी सब गायब रहते हैं। और बताइए क्या गलत बोल रही हैं, ये आज सिर्फ अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं। क्या बिहार में लड़कियों को अपनी सुरक्षा की मांग करना गलत है, क्या गलत बात बोल रही हैं भैया? जहाँ पे इनको भेजा जा रहा है इनको नहीं वहाँ पे सुरक्षा का भाव मिल रहा है। और हाल फिलहाल के दिनों में हकीकत है वहाँ पे कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, मैं अभी खुद रिसेंट एक लड़की का रेप कर दिया गया है वहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चियों का वहाँ पे बलात्कार हो रहा है। मैं खुद कई ऐसे परिवार से वहाँ पर मिलकर आया हूँ, बच्ची कोचिंग के लिए जा रही थी, दिन दहाड़े सुबह 10:30 बजे उसको पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अनेकों ऐसी घटनाएं घटी हैं, और ये तो खैर राज्य के हर जिले में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में अगर ये लोग पटना में ही रहकर अगर ये लोग पढ़ाई करना चाहती हैं, सिर्फ एक हॉस्टल की व्यवस्था एक सरकार के लिए, मुझे ईमानदारी से बताइए, एक सरकार के लिए या हेल्थ डिपार्टमेंट जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट किसी भी राज्य के लिए होता है, क्या उनके लिए 200 बच्चियों को अकोमोडेट करना इतनी बड़ी समस्या है? आज जब विभिन्न राज्यों में जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं तो यही सरकारें अपने अपने विधायकों को 5-स्टार होटल्स में रख रही हैं, रहना खाना पीना ऊपर से उनकी एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम करवा के दे रही हैं। कल हम लोगों ने कई चैनलों पे देखा उनके एंटरटेनमेंट का भी इंतज़ाम सरकारें राजनीतिक दल करवा के दे रहे हैं। और ऐसे में अगर ये बच्चियां अगर अपने सुरक्षा की मांग कर रही हैं, कल को भगवान ना करे अगर आप इनको राजा पाकर भेजते हैं या जहाँ पर भी आप लोग भेजना चाह रहे हैं, वहाँ पर किसी भी बच्ची के साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन इनके माँ बाप को जाके जवाब देगा? और आज भी कहाँ सुरक्षा में बैठी हैं ये, इनकी जीवन इनका खतरे में है भैया। भूख हड़ताल पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं बिना कुछ खाए बिना कुछ पीए, पीछे देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये लोग खुद ही अपना इलाज कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं तो इनके गार्जियन कोई ना कोई तो यहाँ पे रहेंगे। जब इनके भाई यहाँ थे तो सिटी मजिस्ट्रेट थे तो जो थे वो इनके भाई पे थप्पड़ चला दिए। इनके भाई पे थप्पड़ तो एक तरफ की बात है, इनके ऊपर खुद जिस तरीके से मेल पुलिस अधिकारियों के द्वारा लाठियां चलाई गई, भाई शांतिपूर्वक ही अपनी मांगों को रख रही है, क्या अपनी इज्जत के लिए अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना क्या गलत बात है क्या? अगर ये प्रोटेस्ट कर रही हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर, सरकार की जिम्मेदारी बनती है भैया कि आप इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां इनको सुरक्षा का भाव मिल रहा है वहां भेजिए। और सरकार के द्वारा कहा गया है भैया, इन्होंने मुझे बताया कि जब इनकी स्वास्थ्य मंत्री जी से, बहरहाल मैं भी मंगल पांडे जी से मैं भी अभी बात करूँगा, अभी फ़ोन लगाया, शायद संभवतः अभी वो अवेलेबल नहीं है, बट शाम तक मेरी भी उनसे बातचीत होगी, उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कि आप बता दीजिए कोई ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन, हमारे पास नहीं है, आप कोई सुझाव दे दीजिए। इनके द्वारा इनके द्वारा वो सुझाव भी दिया गया, उस सुझाव पे अमल कर लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो इनको HRA दे दीजिए भैया, अलाउंस दे दीजिए, ये लोग खुद अपनी व्यवस्था कर लेंगे। पर आप इनको अलाउंस तक, और विभागों में दिया जाता है ना अलाउंस, आप इनको वो दे दीजिए, पर आप वो तक आप देने को तैयार नहीं है। तो मतलब ये तो भैया एकदम तानाशाही रवैया है ना कि जहां हम बोलेंगे वहीं जाना होगा, नहीं तो तुम लोग अपना भविष्य खत्म करो। और यही धमकियां इनको मिल रही हैं इनके प्रिंसिपल के द्वारा, इनको लगातार सरकार कहती है बिल्कुल वही तो, नहीं तो आपको
अपने भविष्य को अंधकार में डालना होगा अगर आप लोग नहीं अपने आंचल को खत्म बोला जा रहा है कि आप लोग के ऊपर एफआईआर जा रहा है कि जिस तरह से पिछली बार आप लोगों को मारा गया था उसी तरह अब भी मारा जाएगा अगर आप लोग प्रोटेस्ट खत्म नहीं करते। नहीं बताइए, गलत है। मतलब ये बात जितनी आपको आक्रोशित करती है उतनी भावुक भी करती है कि बताइए छोटी छोटी बच्चियां अपना घर परिवार छोड़कर अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए आज सड़क पर बैठी हुई हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं सरकारें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती हैं सरकारें। सर ये लोग रात में भी यहीं पर रह रही हैं। यही तो सबसे ज़्यादा भाई असुरक्षा का भाव तो इसी बात का है ना कि रात में भी ये लोग यहीं पर रह रही हैं। कल को मैं बार बार मैं सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, भगवान ना करे, और मैं दुआ करूंगा, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान ना करे अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री होंगे, इस बात को लोग जान लेंगे। चिराग पासवान का कहना है कि सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है और आज बेटी सड़कों पर बैठी है दिन रात सब यहीं पर रह रही है, सरकार को किसी तरह से इन लोगों पर ध्यान नहीं। ऐसी तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।